अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है और हम ये करनी से 2 घंटे आगे की ड्राइव पे। इसका नाम डोर बीच है, बेसिकली ये है लेक। ये रास्ते की नहर है जो हमने गाड़ी में से शूट लिया था और हमें उतरने नहीं दिया। तो आप इसका व्यू चेक करते हैं और वीडियो को आगे से यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है और हम ये करली से 2 घंटे आगे की ड्राइव पे डोर बीच, कोई नया बीच है, इस पर आए हुए हैं। लोकेशन दिखाते हैं आपको, लोकेशन दिखाते चलें। थोड़ा सा गांव टाइप का माहौल है, करली से थोड़ा सा आगे है बस। ये 2 घंटे की ड्राइव से नई जगह है। इधर दिखाएं कैमरा, ये फूल अभी समझ लें मुरझाए, वरना जब हम आए थे फूल खिल रहे थे, सुबह में खिलते हैं और शाम में ये हाल हो जाता है धूप से। बहुत खूबसूरत व्यू था सुबह का। ये इनकी रिहाइश का हिस्सा है सारा सामने, जो यहाँ के रिहायशी हैं जिनके अंडर है ये सेटिंग, और हट वगैरह की सेटिंग ये है। यहाँ पर अपना टेंट वेंट लगाना पड़ता है लाके खुद से, या अगर सेटिंग करेंगे तो टेंट लगवाते हैं वो लोग, लाना अपना पड़ता है, लगा के ये लोग देंगे। आ जाएं, टेंट के अलावा भी हम लोगों के पास बड़ी ख़ूबसूरत जगह थी जो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा है। यहाँ पर पेड़ था जो टेंट छोड़ के हम लोग सिर्फ इसके नीचे सोए थे आज, इसी वजह से कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन गर्मी का कोई एहसास नहीं हुआ। हमारी पूरी टीम जो थी सब यहाँ पेड़ के नीचे सोए और हमारा टेंट खाली था, जहाँ पर हमारे जो बावर्ची थे वो सिर्फ खाना बना रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत इंजॉय करा है। बाकी करली का जो हमारा प्रोग्राम था वो तो हम समझ लो, आप एक बार यहाँ आएंगे तो करली को आप समझ लें भूल जाएं। ऐसी ज़बरदस्त और VIP लोकेशन है और बीच तो अभी हमने आपको दिखाया नहीं है। बीच के 2 रास्ते बताए थे मैंने आपको, बस वगैरह हमारी वहाँ खड़ी हुई है। यहाँ आपको सिंपल सा सिर्फ मैं शॉर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी वो वाली लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूँगा, वो इससे बेहतर है। बड़ी जगह है सिर्फ एक उस हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं, नहीं पब्लिक के हिसाब से दिखा रहा हूँ। पब्लिक वैसे तो पब्लिक यहाँ अभी बहुत कम है, न्यू सिस्टम है, हमारे को भी पता चलिए। बच्चियाँ मिलेंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फाइनली हम लोग बीच पर पहुँच गए और इन्वायरमेंट वगैरह जो है यहाँ का बहुत अच्छा है, और अभी सूरज आ गया है तो बीच आपको सही से नज़र नहीं आएगा। अगर मॉर्निंग व्यूज़ दिखा दें आपको तो बहुत ज़बरदस्त आता। व्यू चेक करें आप, ये मैंने सुबह का शॉट लिया था, जो आपको वीडियो चेंज लग रही होगी तो ये सुबह का शॉट है जो मॉर्निंग में लिया था। लेकिन हम लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई कि करली पे जो आप लोगों को पता है जो गंध है वहाँ और माहौल है वहाँ का, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ के हिसाब से थोड़े से पत्थर वगैरह हैं कि आप नंगे पैर जो है यहाँ पर चल नहीं सकते,
या वीडियो नहीं बना सकते। पब्लिक चेक करें आप, सैटरडे है आज और पब्लिक। और हमारा सेकंड व्यू जो है, आपको सेकंड व्यू की तरफ लेके चलते हैं हम, दिखाएं सेकंड व्यू। पत्थर बहुत है, नंगे पैर चल नहीं सकते, चप्पल ला नहीं सकते। एक आंटी की चप्पल तोड़ चुके हम सुबह में। ग्रास वगैरह चेक करें, कुछ टाइम और लगेगा, एक आध बारिश होगी ये ग्रीन और हो जाएगी, ग्रीनरी और ज़्यादा हो जाएगी एक बारिश के। और दूसरा व्यू जो है ये है, जो हम उधर थे जहाँ से हम आए बेसिकली, वो हमारा हट बना हुआ है। हट के हम टेंट लाए थे अपना, वो है। हट वगैरह की सेटिंग हो सकता है आने वाले वक्तों में यहाँ हो जाए, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर हम अपना टेंट लेकर आए। और काफ़ी जो ये वही रास्ता आ गया जहाँ से हमने व्लॉग को स्टार्ट किया था, और ये सामने दूसरा रास्ता जहाँ से हम बीच पर गए थे, बीच का दूसरा रास्ता, ये बड़ा रास्ता। ये बस आ गई हमारी सामने, जो है हमने टेंट लगाया था, ये टेंट की जगह टेंट हटा लिया। अब शुएब भाई आ गए, ये सारा अरेंजमेंट जो इन्होंने किया था, वीडियो वगैरह का, पिकनिक का, बस का, खाने का, जो भी अरेंज था इन्होंने किया था। थोड़े से आउट बाकी बंदे बड़े नाइस हैं, और हम भी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस में बैठने जा रहा हूँ मैं, बाकी अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।